कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस ने शहर की सड़कों पर सख्ती शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ बता दें कि लगातार लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह से ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस भी परेशान है। वहीं प्रशासन भी अपनी ओर सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए परेशान है कि किस तरह से लॉकडाउन के बावजूद केस रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब पुलिस ने और सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। शनिवार सुबह से ही पुलिस मुस्तैद रही। सड़कों पर अफरातफरी करते मिले लोगों को पुलिस ने वाहनों में 2 से 3 घंटे तक बिठा कर भी रखा। इन लोगों ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि अब बगैर कारण के घर से नहीं निकलेंगे। उसके बाद जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक आमिर सांगी के नेतृत्व में 3 दर्जन वाहनों के साथ पुलिस ने लश्कर के अलावा मुरार, गोलेका मंदिर, हजीरा, किला गेट, आनंद नगर व बौड़ापुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। लोगों को चेतावनी दी कि अगर रविवार को बगैर किसी कारण घूमते मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फ्लैग मार्च 2 तरह से है। एक तो लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाने का है कि कोरोना कर्फ्यू हमारा लगा हुआ है, इसका पालन करिए और नहीं किया जाएगा तो इसमें कड़ाई भी अब बरती जाएगी। दूसरा, पूरा जो हमारा फोर्स है, ये जो इनके ऐसे इलाके जहाँ पे भीड़ भाड़ शाम को देखने में मिल जाती है, फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि वहाँ पे सभी पुलिस अधिकारी पहुँचेंगे, लोगों को समझाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। और ये फ्लैग मार्च आज पूरे ग्वालियर शहर के अंदर निकाला जा रहा है और कोरोना का जो कर्फ्यू है उसके पालन में और संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये फ्लैग मार्च आज निकाला जा रहा है।